भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य के जनपद में प्रथम आगमन पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाक्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में जाकर गोरक्षनाथ महाराज जी की पूजा अर्चना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने कहा, गर्भपात करा दिया जाता था।
ऐसी योजना बनाकर ये साबित किया कि आधी आबादी की चिंता करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पेट में पलने से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और उनकी विवाह तक की योजनाएं बनाकर उनकी चिंता कर रहे हैं। तो आप विश्वास मानिए, हमारे प्रदेश की और देश की महिलाओं को और बेटियों को निडर होकर घूमना चाहिए। हमारी देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए मुझे ध्यान रहे किसी सांसद से कूपन मिल जाए तो मेरा कलेक्शन हो जाए। बहुत सी पहले बैठी होगी जिन्होंने प्रयास भी किया होगा, कूपन नहीं मिलते थे तो गैस के कनेक्शन नहीं होते थे। इसी को समझते हुए जैसे 2014 में हमारे प्रधान संभाली और उन्होंने उन महिलाओं की चिंता करते हुए कि जो हमारी प्राथमिकता सरकार की प्राथमिकता, सरकार ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, सुरक्षा से लेके उनकी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। केवल असली लोकतंत्र का यही अर्थ है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को उनके जीवन में बदलाव लाकर आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में आपने देखा कि हमारे प्रदेश की बेटियां और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम से तेज़ी से खड़ी हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे कौन से दल हैं जो कांग्रेस की, देखिए अभी उनकी प्रदेश की अध्यक्ष रही प्रीति तिवारी जी ने कितनी लंबी भीड़ के साथ अपनी महिला मोर्चा की बहनों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। कल भी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, तमाम बहनें भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर है। तो आप विश्वास मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं की योग्यता के अनुसार उनको आगे बढ़ाया जाता है। और महिलाओं को भारतीय राजनीति में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार भागीदारी देना और उनको नए अवसर देना। और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अवसर दिया है तो उन्होंने अपना एक इतिहास भी गढ़ा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रहा है कि महिलाओं को सम्मान देने का, उनको आगे बढ़ाने का। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं बहुत खुश भी हैं और पूरी तरीके से उन्होंने कमर कस ली है कि 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की उन्होंने कसम खा ली, और हम लोग करके रहेंगे। एक बूथ विजय अभियान चल रहा है जी, बूथों पे महिलाओं की क्या स्थिति? देखिए बूथों पर लगातार अभी मेरा जैसे संगठन में देख लीजिए, मेरी पूरी प्रदेश की कार्य समिति तैयार हो गई है, जिले की कार्य समिति, क्षेत्र की कार्य समिति, और अब मेरी महिला मोर्चा की बहनें मंडल की कार्य समिति और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष बना के इसी आज 15 है, आज एक दो दिन में बन के पूरी थे, यानी लगभग मेरे पास 40,000 का डाटा तैयार हो गया है कि महिलाओं को, और बूथ पर कोई ना कोई रूप में हमारी बहन काम कर रही है। चाहे आपने देखा होगा कि चाहे हेल्थ वॉलेंटियर के रूप में हो, चाहे बूथ के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो किसी की योजनाओं को क्रियान्वित करने के रूप में, लगातार बहनें काम कर रही हैं। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं, उसको लेकर के कितना घर घर जा करके उसको जागरूक करने की बात? देखिए ना, मुझे तो मैं बता रही हूँ कि मैं भी कभी सोचती थी कि मैं गैस का कनेक्शन कराऊँ तो ये होता था कि सांसद जब कूपन दे तब मैं कनेक्शन कराऊँ, नहीं मिलता था। आज देखिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने ये एकदम से गांव-गांव शिविर लगाकर और फ्री कनेक्शन देने का, गैस का चूल्हा देने का जो काम किया, ये उन्होंने दर्शाया है कि इसलिए कि वो स्वयं एक गरीब माँ बाप के बेटे, उन्होंने गरीबी देखी नहीं, उन्होंने गरीबी को जिया है। तो उन्होंने अपने देश में रहने वाली उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए, तमाम चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लो, चाहे जनधन योजना की बात कर लीजिए, चाहे वो आप देखिए अभी एक ये मिशन शक्ति जो है योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, चाहे किसी क्षेत्र में, चाहे स्वयं सेवी संस्था के द्वारा हो, या महिलाओं को आप मान के चलिए कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो जाता था, थाने में जाती थी तो शर्म की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाती थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने महिला हेल्प डेस्क का खोलने का जो काम किया, ये वास्तव में दर्शाया कि हमारी सरकार और हमारे नेता पूरी तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए
तत्पर हैं और उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। कितनी भागीदारी होगी चुनाव में, महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी विधानसभा चुनाव में? जो महिला चुनाव लड़ने की योग्यता रखती होंगी उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। आप देख लीजिए ना, अभी किसी भी दल के देख लीजिए, हमारी अभी इस 2017 में 38 विधायिका भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप देख लीजिए, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें 36 यानी 80 में से 40 महिलाएं जीती और 40 में 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आई। आप राज्यसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं जीत के पहुंची हैं और पूरी तरीके से अपने को वो लगती हैं कि फ्रीडम में हैं, अपने आप से काम कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा से संवेदनशील रही है और है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और हमें लगता है कि मेरे प्रदेश की पूरी महिलाएं और देश की महिलाएं खुश भी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सरकार पर।